अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोज किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंघाड़े को कैसा बॉईल किया जाता है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी सर्दियाँ हैं, चालू हो गई हैं, और सर्दियों में सिंघाड़े बहुत मिलते हैं और ये बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। बाजार जैसा सिंघाड़ा कैसे बॉईल किया जाता है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देख लेते हैं इसे कैसे बॉईल करेंगे। ये देखिए, सिंघाड़ा लिए हैं हमने इस साइज़ के, बड़े साइज़ के। जब भी आप सिंघाड़ा लो बाजार से, बड़े साइज़ का लीजिए, और नरम सिंघाड़ा बिल्कुल नहीं लेना है। फ्रेंड्स, बड़े साइज़ के और कड़क सिंघाड़ा लेना है। इसमें हमने सिंघाड़ा लिए हैं आधा किलो, इसे मैं 2 से 3 बार धोकर ले ली हूँ। फ्रेंड्स, अब हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं 1 गिलास पानी डाली हूँ, बड़े गिलास है, थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दी हूँ। इसमें रखेंगे एक छाननी, छाननी सभी के घरों में होती है फ्रेंड्स, और कढ़ाई भी। अगर छाननी आपकी परफेक्ट नहीं बैठती है तो नीचे कटोरी रख दीजिए और उसके ऊपर छाननी रख दीजिए, पानी के ऊपर डायरेक्ट छाननी नहीं रखना है। फ्रेंड्स, फिर इसमें डाल देंगे हम सिंघाड़ा। सिंपल सी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इस तरह से हमने अच्छे तरीके से सिंघाड़े को सेट कर लिया है, यानी कि बराबर रखे, एक के ऊपर एक नहीं रखी हूँ मैं। अगर ज़्यादा सिंघाड़ा है तो एक के ऊपर एक भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार ढक्कन हटाकर उसे फ्लिप कर दीजिए, यानी स्टर करिएगा, और फिर ऊपर ढक्कन कवर कर दीजिए। इसे हमें 5 से 6 मिनट का वक्त ही लगेगा। हाई फ्लेम पे इसे हम बॉईल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्टीम में देखिए, स्टीम जमा हो रही है, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और ना ही इसमें पानी जाता है, एकदम से सूखे सूखे, और छिलते भी बहुत अच्छे तरीके से है। फ्रेंड्स, ये छिला भी बहुत अच्छे से जाता है। अभी देखिए, हमारे सिंघाड़े काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। 9 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, 8 नहीं 9 मिनट में रखी हूँ इसे। फ्लेम हमने बंद कर दिए हैं और ढक्कन तुरंत नहीं खोलना है, इसी में रख देंगे हम। स्टीम में ही इसे रखेंगे जब तक इसकी स्टीम सारी निकल ना जाए, यानी कि 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और फिर ढक्कन हटा देंगे। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटा रही हूँ फ्रेंड्स मैं, और देखिए काफ़ी स्टीम निकल गई थी हमारे सिंघाड़े में से, और मैं आपको एक उठाकर बता देती हूँ, और मैं इसको काट कर भी बताऊँगी फ्रेंड्स। और इस तरह से बॉईल किया हुआ सिंघाड़ा खाने में भी मीठा लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। छन्नी को हम हटा देंगे और इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और आपको काट कर भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं आपको एक सिंघाड़ा कट कर कर बता देती हूँ। एकदम से सॉफ्ट पके हैं फ्रेंड्स, और कट भी बहुत ईजीली रहे, आप देख सकते हैं। और एक मैं सिंघाड़ा आपको काट कर रखी थी साइड में, वो भी रख कर बता देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।